देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कह रहा है कि एक फुटबॉल के मैदान में एक चबूतरा है। देखिए ये चबूतरा फिगर में जैसे दिखाया गया है, जिसमें 15 सीढ़ियां बनाई गई। कैसे सीढ़ी है? 15 सीढ़ी, ऐसे 15 स्टेप्स बनाए गए हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है। हर एक की लंबाई कितनी है? 50 मीटर है। 50 मीटर लंबा है सब स्टेप। और वह ठोस कंक्रीट की बनी हुई है। ये ठोस कंक्रीट सीमेंट का मसाला जो होता है ना, ठोस कंक्रीट की बनी हुई गिट्टी वगैरह मिला के। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई, मतलब कि ये उसकी ऊंचाई दी है 1/4 मीटर, और कह रहा है कि 1/2 मीटर का फैलाव, यानी कि इसकी चौड़ाई दी हुई है 1/2 मीटर। तो इस चबूतरे को बनाने के लिए कितने कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित है, मतलब इसमें जो कंक्रीट लगा है, लगा हुआ कंक्रीट जो है, कह रहा ना कि चबूतरे में को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए, यानी कि इसका आयतन निकालना है, टोटल का आयतन निकालिए। देखते हैं कि पहले स्टेप में कितना कंक्रीट लगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, दो तीन का पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि पहले सीढ़ी में लगा कंक्रीट का आयतन। तो आयतन निकालने के लिए क्या होता है, ये आपका कैसा दिख रहा होगा, तो घनाभाकार दिख रहा होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि 50 है ना गुना 1/4 गुना 1/2, यही ना दिया है मीटर क्यूब। इसको इससे कह रहे थे 25 बार में, यानी पहले सीढ़ी का आ जाएगा 25/4 मीटर क्यूब कंक्रीट का आयतन है। चलिए दूसरी सीढ़ी का निकालते हैं। दूसरी सीढ़ी में लगा कंक्रीट का आयतन। तो दूसरी सीढ़ी में कितना लगेगा? अब थोड़ा यार समझने वाली बात है। जब सीढ़ी बनता है तो आप देखे होंगे कि ये वाला पहला वाला रहेगा, फिर दूसरा वाला तो ऊंचा उठ जाएगा ना, तो जितना पहले था उतना उसमें तो कंक्रीट लगेगा ही, उतना कंक्रीट लगेगा। उसके बाद ये जो ऊपर लग रहा है वो अलग से है। ठीक है, उसी तरह जब तीसरा स्टेप बनेगा तो दूसरे में जितना लगा उतना कंक्रीट तो नीचे लग गया, और ऊपर जो स्टेप अगला बना है वो भी लग गया, यानी कि दूसरे सीढ़ी में लगा कंक्रीट का आयतन इसके आयतन को तो लेंगे ही, और इसमें प्लस किसको कर देंगे, ये अगले स्टेप के लिए, अगले स्टेप में जो लगा है वो। ठीक है, यानी कि इसके निचले सतह का तो ये लेंगे ना, और उसके बाद ना ऊपर उठाए तो कितना उठाए, इतना ही उठा होगा, यानी कि 50 × 1/4 × 1/2 मीटर क्यूब। इसको काटते हैं, ये भी 25/4 हो गया, दोनों का एलसीएम ले लीजिए 4, तो ये हो जाएगा 25 और प्लस में 25 मीटर क्यूब, यानी कि दूसरे सीढ़ी में लगेगा 50/4 मीटर क्यूब। काट सकते हैं काटना चाहे तो, 25/2 मीटर क्यूब दूसरे सीढ़ी में लगेगा, यहाँ दूसरे सीढ़ी में कितना लगा 25/2 मीटर क्यूब। इसी तरह अगर आपको कहा जाए तीसरा का निकालने के लिए, ऐसे तो जरूरत नहीं तीसरे का, चाहे तो आप निकाल सकते हैं। तो तीसरे के लिए क्या करेंगे कि इसमें जो आयतन लगा है ना उसमें इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि तीसरे स्टेप को बना रहे हैं तो जितना दूसरा में कंक्रीट लगा उतना तो लगेगा ही, और उसके अगले स्टेप का जो आयतन हो रहा है उसको भी जोड़ना होगा। समझ गए ना, ऊपर जो उठा हुआ भाग है उसका भी आयतन जोड़ना होगा, नीचे का भी। चलिए, तो तीसरे के निकालने की कोई जरूरत नहीं है, दो से ही काम चल जाएगा। हम लिखेंगे इसके बाद कि दो लगातार सीढ़ियों में लगे कंक्रीट के आयतन का अंतर। ठीक है, वो क्या निकलेगा, सार्वंतर, यानी डी का मान होगा, यानी डी बराबर हो जाएगा 25/2 मीटर क्यूब और माइनस में 25/4 मीटर क्यूब। एलसीएम लेके यहां से घटा देंगे, 4 एलसीएम होगा, यहाँ हो जाएगा 50 मीटर क्यूब माइनस में 25 मीटर क्यूब, यानी यहां से आपका डी का मान जो आ गया, डी बराबर आ गया, वो आ गया 25/4 मीटर क्यूब। और पहली सीढ़ी में जो लगा है वो आपका ए का मान हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 25/4 मीटर।
क्योंकि पहले सीढ़ी में इतना ही लगा है, और एन का मान हो जाएगा 15 क्योंकि टोटल 15 स्टेप बने हैं, है ना, 15 स्टेप बने हैं तो इनका मान 15। अच्छा तो लिखेंगे कुल कंक्रीट का आयतन, कुल कंक्रीट का आयतन, कुल कंक्रीट का आयतन यानी कि एस एन निकालना है। तो आपका फॉर्मूला आता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, यही ना लगाएंगे। चलिए तो हमें क्या निकालना होगा, तो एन की जगह पर रखना होगा 15 बाई टू ब्रैकेट में 2a के जगह पे 25 बटा में 4 प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 और d के जगह पे कितना होगा तो 25 बटा में 4 मीटर क्यूब में ना होगा ये। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो 15 बट्टा 2 ब्रैकेट के अंदर ये देखिए कट जाएगा 25 बट्टा 2 प्लस 14 गुना 25 बट्टा 4 मीटर क्यूब, यहाँ से इसको काट देंगे 7 और इसको काट देंगे 2 यानी कि 15 बट्टा 2 अंदर एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 25 और प्लस इसमें गुना करिएगा तो 175 मीटर क्यूब, तो 175 में 25 जुड़ जाएगा ना, तो 15 बट्टा 2 गुना में हो जाएगा यहाँ पे 200 बट्टा में 2 मीटर क्यूब। यहाँ से काटेंगे इसको 100 बार में और फिर इससे काट देंगे 50 बार में, 750 मीटर क्यूब यहाँ से कुल कंक्रीट का आयतन निकल गया। तो ये आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इस रिलेटेड जो भी लिंक की जरूरत हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर किया करें। धन्यवाद।